नमस्कार। खबर तिजारा से। तिजारा के ड्राइवर शरीफ खान की बीते 12 अगस्त को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके बाद से ही मृतक शरीफ खान के को न्याय दिलाने के लिए ग्रामीण और ऑल ड्राइवर कल्याण संघ के लोग एकजुट हो गए हैं और प्रशासन से मृतक के हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में तिजारा में मृतक ड्राइवर शरीफ खान के परिवार से मिलने अमीर नगर गाँव ऑल ड्राइवर कल्याण संघ के पदाधिकारी पहुंचे और पीड़ित परिवार का ढांढस बंधाया। जानकारी के अनुसार ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत युवा जिला अध्यक्ष सरताज, उपाध्यक्ष जावेद आलम, भरतपुर जिला अध्यक्ष जुबेर खान सहित अन्य पदाधिकारी अमीर नगर गाँव पहुंचे और उन्होंने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिलाया है कि ड्राइवर संघ परिवार के साथ है और सरकार और प्रशासन से आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग भी की है। साथ ही पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग भी यहां पर रखी गई है। मौके पर सरपंच साहब 3 व सचिव हनीफ खान सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। इस मौके पर लोगों ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं जावेद आलम, जिला उपाध्यक्ष मेवात हरियाणा। मैं आज अपने शरीफ भाई के यहाँ गांव में हमीरा का आए हैं जी। हम ऑल ड्राइवर कल्याण संघ की भारत की तरफ से हम ये चाहते संगठन ये चाहता है कि हमारे ऑल ड्राइवर इंडिया के किसी भी ड्राइवर भाई को कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। ड्राइवर देश का आंतरिक सिपाही है, परिवहन विभाग है, परिवहन मंत्री है और जब ड्राइवर को देश का आंतरिक सिपाही का दर्जा दिया गया है तो उसके लिए आंतरिक सिपाही के लिए जैसे हमारे शरीफ भाई की कोई उसका दोष नहीं, नाजायज उसकी जो हत्या हुई है, हमें प्रशासन से हाथ जोड़ के अपील करते हैं। प्रशासन अपना काम बखूबी निभाएगा और विश्वास भी है प्रशासन अपना काम करेगा। जो दोषी है, पहला नंबर मुबीन जो कंपनी का फॉरमैन है, दूसरा हुसैन है जो हमारे ड्राइवर भाई को उसको शरीफ भाई को जो बिठा करके लेके आया था, जिसका उसका भी हाथ है उसमें, उसको पूरा मैटर का पता था। एक के शर्मा है जो कंपनी का मैनेजर है या बाबू है, और एक महावीर शर्मा है, महावीर जी है, एक राकेश है। ये पांच वो मुजरिम है, मनीष बताया जा रहा है, एक मनीष है जिसका नाम नहीं, इसमें FIR में नाम नहीं है। ये वो मुजरिम है जिन्होंने हमारे नाजायज कई भाइयों की हत्या कर चुके हैं और आए महीना 20 दिन का मैं इनका एक दो ड्राइवर इस सिंगल कंपनी का वो मौत के घाट उतर जाता है। तो हम प्रशासन से गुहार लगाते हैं, इस सिंगल कंपनी को बायकॉट किया जाए, इसकी गाड़ियों को ऑफिस को ताला लगाया जाए और हमारे शरीफ भाई को न्याय मिलना चाहिए और इन दोषियों को पांचों को फांसी की सजा होनी चाहिए। और प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि जो हमारे शरीफ भाई आज अब उसके 4-5 बच्चे जो रह गए हैं, एक मासूम बच्चा जिसने अपने अपने अब्बा की शक्ल नहीं देखी है, अपने पापा की शक्ल नहीं देखी है, वो बच्चा बिना माँ बाप बिना बाप के रह गया है। और प्रशासन से गुहार करते हैं कि उसके लिए कम से कम 50 लाख का मुआवजा मिले और आंतरिक सिपाही की विधवा के लिए, जब ड्राइवर देश का आंतरिक सिपाही है तो उसकी विधवा के लिए हर मंथ 10,000 पेंशन की फैसिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि आंतरिक सिपाही की वाइफ दर दर की। मैं जुबैर खान, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जिला भरतपुर अध्यक्ष। ये जो शरीफ भाई की जो मर्डर हुआ है सिंगल कंपनी के फोरमैन या बाबू के द्वारा, मैं सभी ड्राइवर भाइयों से हम गुहार लगा रहे हैं और ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत की एक टीम गांव में शरीफ के घर आई हुई है और जितने ये सारे ड्राइवर भाई हैं सारे इंसाफ के गुहार लगा रहे हैं और सरकार से और कंपनी से ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये आए दिन हमारे ड्राइवर भाइयों की हत्या क्यों आ रही है। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत पूछता है कि हर महीने 10 दिन 20 दिन में हमारे को एक ड्राइवर की मौत क्यों हो रही है, क्यों मिल रहा है हमारे ड्राइवर की देखने को, ये क्यों मिल रहा है? कोई पेड़ से लटका हुआ मिलता है, कोई गाड़ी के लटका हुआ मिलता है, कोई सीट के नीचे कटा हुआ मिलता है और अब ये शरीफ भाई को मार के नहीं फेंक दिया। ये अत्याचार और शोषण ड्राइवरों के साथ कब तक करते रहेंगे? ये फोरमैनों के द्वारा और बाबुओं के द्वारा जो एक मुहिम चलाई जा रही है, इनका जो वो टीम बनी हुई है अत्याचार करने के लिए और दूसरे के घर में चूल्हे में पानी डालकर और अपने महल बनाने में ये जो लोग लग रहे हैं, हमारा किसी भाई को 10-20 हज़ार रुपये के डीजल चोरी के इल्ज़ाम में कर कुरू के नहीं, इनका जो आरक्षण वो लगाते हैं, भुगतान लगाते हैं, तो इसका हमको बताए कि इस भाई ने क्या किया था, इस भाई को क्यों मारा गया है, बताए हमको। डीजल बेका था, इसने टायर बेका था, माल कटवाया था, किया हुआ था,
हैं, क्यों ये रेड मिलकर क्यों अत्याचार कर रहे हैं डिलीवरम के साथ। तो हम इसकी गुहार लगा रहे हैं सरकार से भी, और हम अपने भाइयों के और बच्चों के लिए ये गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम उनके लिए कम से कम 50,000 रुपया का ऐसा मुआवजा हो, जो उसके 6-7 बच्चे हैं, 50 लाख रुपया का ऐसा मुआवजा हो जो उसके बच्चा सही से पढ़ लिख सके। वो यतीम हो गए हैं बच्चे, हैं इनका तो महल बन गए, उसके तो बच्चे यतीम हो गए। तो सर मुजरिमों को क्या चाहते हो? स्टार्ट। नमस्कार, जय हिंद जय भारत। मैं ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मेवात मोहम्मद सरताज, मैं अपने ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत की तरफ से इस भाई के इंसाफ के लिए गुहार लगाता हूँ प्रशासन और सरकार से, क्योंकि देखा गया है इस कंपनी में काफ़ी तादाद में हमारे ड्राइवर भाइयों की हत्या की गई है, जो नाजायज और गैर तरीके से उन्हें फंसाया जा रहा है आरोप में या कुछ भी है। जैसे कोई टायर की गाड़ी है, टायर भराते और ये खुद कंपनी वाले उनको हत्या करते हैं, अपना जुर्म छुपाने के लिए किसी भी ड्राइवर भाई की हत्या कर देते हैं। तो हम प्रशासन से ये चाहते हैं जितने भी इसमें मुजरिम है, मुख्य मुजरिम सबको फांसी की सजा हो, और जो हमारे शरीफ भाई के परिवार को गुजर बसर के लिए उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, 6-7 बच्चे हैं उनके, तो उनके लिए सरकार से ज़्यादा मुआवजा मिले। और हमारे बीच में हमारे गांव के जो मौजूदा सरपंच है, हमारे जितने भी गांव के परिवार के छोटे बड़े बच्चे सब साथ में हैं, तो हम यही चाहते हैं जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम शरीफ भाई की आवाज़ उठाएंगे और आने वाले टाइम में इसके लिए आंदोलन की तैयारी करेंगे। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता, हम अपने संगठन की तरफ से ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत की तरफ से हमेशा पीड़ित के साथ, हमेशा कंधे से कंधा के मिला के खड़े हैं। जैसे भी कोई कानूनी सहायता रहेगी या कोई भी सहायता रहेगी संगठन की तरफ से पूरी तरीके से हम देंगे। मैं जब्बार सरपंच ग्राम पंचायत हमीरा का, मैं हमारे गांव से ये ड्राइवर जो मारा गया है इसके लिए न्याय मिलना चाहिए, और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसके बच्चों के लिए सहायता मिलनी चाहिए, और जो इसमें दोषी है उसको फांसी मिलनी चाहिए। यही हमारी गुराह है सरकार से भी, और इसकी जो लेडीज है इसके घर से, उसको लिए सरकारी नौकरी के लिए कोई सुविधा मिलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ, अलवर जिला कांग्रेस सचिव हमीरा का। मेरी पड़ोस का रहने वाला अमीर नगर का शरीफ लड़का जो मारा गया है कंपनी में, जो सिंगल कंपनी में गाड़ी चलाता था, वह नाजायज और नाजायज मारा, उसका मर्डर किया है। जहाँ 5 वक्ती नामजद हैं, मुबीन हुसैन, महावीर, के शर्मा, और एक कंपनी का मालिक है या बाबू है, और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और इनको फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए। और जो ये लड़का है जिसके घर से ये विधवा हो चुकी, उसको बालागन पालने के लिए कम से कम सरकार कंपनी 50 लाख का मुआवजा देना चाहिए और होना ही चाहिए। और जो विधवा होगी औरत, उसके लिए 10,000 रुपये महीना की पेंशन ज़रूर बननी चाहिए, ताकि अपने बालागन का पालन पोषण अच्छी तरह से कर सके। और इस लड़के को निर्दोष मारा गया है, कोई इसके चोरी, कोई डीजल, कोई वसी कुर्ता गलती नहीं है। इन लोगों ने जान मान के की कि ये 80 लाख रुपए का माल खुद बेचते हैं कंपनी वाले, और ड्राइवर उनको निर्दोष निर्मल हत्या करते हैं, तो इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यही मेरी गुहार है, और 17 तारीख को हमको प्रशासन आश्वासन दे रखा है, यदि हमारा न्याय हुआ तो ठीक है, न्याय नहीं हुआ तो हम धरना भी देंगे और आंदोलन भी करेंगे। जय हिंद जय भारत।